पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। अब तक भारत के लिए पाकिस्तान ही टेंशन का विषय था, लेकिन अब बांग्लादेश भी धीरे धीरे भारत के लिए नया सिरदर्द बनता जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कई साल तक शांत रहने के बाद बांग्लादेशी आतंकी संगठन JAFHS एक बार फिर से बांग्लादेश में एक्टिव हो रहा है। JAFHS चटगांव हिल क्षेत्र पर अपने पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ है। इन पहाड़ी इलाकों पर आतंकवादी समूह का एक्टिव हो जाना भारत के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से चटगांव हिल क्षेत्र बेहद करीब है। यही वजह है कि चटगांव बंदरगाह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाका है। बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि इस इलाके में कम से कम 6 आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव है। तो वहीं बांग्लादेशी मीडिया की माने तो JAFHS के अलकायदा से भी कनेक्शन है। बीते दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि बांग्लादेश में आतंकी संगठन अलकायदा बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की भर्ती कर रहा है। अलकायदा इन रोहिंग्याओं को आतंकी बनाकर भारत समेत कई देशों को निशाना बनाने की फिराक में है। इस बात का खुलासा बांग्लादेश के काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यानी CTTC ने किया था। आपको बता दें कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव हिल क्षेत्र से विस्थापित 550 से ज्यादा लोग हाल ही में मिजोरम आए हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ती है तो वहां के लोग पहले मिजोरम में और फिर भारत के शहरों में विस्थापित होंगे, और ऐसा होना भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अलकायदा अपने आतंकियों को रिफ्यूजी बनाकर भारत में घुसा दे।